हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि ड्रम स्टिक कितना हेल्दी होता है, कितना पावरफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। आइए देख लेते हैं किस तरीके से मैंने बना के तैयार किया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सहजन हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, कितना बेनिफिट होता है इसमें, और सहजन हमें खुद भी खाना चाहिए और अपने फैमिली मेंबर्स को भी खिलाना चाहिए। आज मैं सहजन मसाला करी बनाने जा रही हूँ। तो ये सहजन ले लिया, चार पीस लिया है। सहजन देखिए इस तरीके का होना चाहिए कि थोड़े ये मोटे मोटे रहेंगे ना, इसके अंदर जो गूदा है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसी टाइप का हमें सहजन लेना चाहिए। तो सहजन को मैं छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ सबसे पहले। तो देखिए सहजन हमारा बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। तो इसको मैं छोटे बड़े जैसे पीस आपको काटने हैं उतने बड़े बड़े पीसेस में आप काट सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े पीसेस में से काट रही हूँ और साथ साथ मैं इस तरीके से इसका ऊपर से छिलका निकाल दूंगी। ये छिलका जो हार्ड होता है ना, तो ये हार्ड वाला पीस ऐसे निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से निकाल के ले लेती हूँ, इसके मैं रेसे ऊपर से निकाल देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको साफ कर लिया, क्लीन कर लिया एकदम से। कितने ढेर सारे ये छिलके इसके निकले हैं। ये जो छिलके होते हैं ना, ये कड़वा भी होता है और ये तो बाद में हम निकाल ही देते हैं, तो उससे बेटर है कि अगर ऐसे छील के बनाएंगे ना तो ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा और ज़्यादा इसमें वेस्टेज भी नहीं जाएगा। एक पैन ले लिया, इसी पैन में अपने ये ड्रम स्टिक डाल दिया है। इसी में मैं हाफ कप पानी डाल रही हूँ। गैस जला के पैन रख दिया, 5 मिनट इसको मैं उबाल लेती हूँ। 5 मिनट के बाद गैस बंद कर दूँगी। तो ड्रम स्टिक का गैस मैंने बंद कर दिया, इसको साइड कर देती हूँ। गैस जला के कढ़ाई रख दिया, इसी में 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। कुछ खड़े मसाले डाल देती हूँ, 1 तेज पत्ता डाल रही हूँ, छोटा स्टिक दालचीनी का डालती हूँ, 2 लौंग डाल रही हूँ, 1 हरी वाली इलायची है, इसका मुंह खोल के ऐसे डाल देती हूँ। आप चाहिए तो ब्लैक इलायची भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये हरी वाली इलायची ही डाल रही हूँ। साथ में 1/2 टीस्पून जीरा डाल देती हूँ, 1/4 टीस्पून सरसों दाना डाल देती हूँ। मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। इसी में 2-3 हरी मिर्ची, थोड़ा करी पत्ता ले लिया, इसको डाल देते हैं। 2 प्याज को बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया चॉपर में, इसको डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहिए तो मसालों को मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर सकते हो जैसे मसाला बनाते हैं, लेकिन ये ड्रम स्टिक की सब्जी में जब ऐसे दरदरे से मसाले रहेंगे, मुँह में आएंगे ना, तो खाने में अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है, इसलिए मैं ऐसे डाल रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप मिक्सी में भी ग्राइंड करके डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहिए तो उसको भी ग्राइंड करके डाल सकते हो, जैसे मर्जी डाल सकते हो। मेरे पास पेस्ट में है तो मैंने पेस्ट यूज़ कर लिया है। फ्रेंड्स, ये प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट या गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा और ये भून जाए, थोड़ा प्याज का कच्चापन निकल जाए, उतना ही हमें ये पकाना है। तो बस ऐसे हमें चला लेती हूँ। तो देखिए प्याज हमारा हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा कलर भी चेंज नहीं हुआ है और इसको हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। 3 टमाटर मैंने वे चॉप कर लिया है, उसको भी डाल देती हूँ। इन सब चीज़ों को साथ में पकने देती हूँ। स्पैटुला निकाल लेती हूँ, ऐसे कवर कर देती हूँ, गैस को स्लो कर देती हूँ, अच्छे तरीके से पकने देती हूँ ताकि टमाटर भी हमारा इसी में गल जाए। जब तक टमाटर हमारा गल रहा है, तब तक मैं इसके लिए एक स्पेशल सा मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने लिया है, 1 टेबल स्पून फुटना लिया है, जो रोस्टेड चना दाल होता है उसको लिया है, 1 टीस्पून धनिया सूखा लिया है, 1 टीस्पून व्हाइट वाला तिल लिया है और 1 टीस्पून ही जीरा लिया है। इसको मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा ग्राइंड कर लेती हूँ। टमाटर चेक कर लेती हूँ, टमाटर भी देखिए काफ़ी हद तक पक चुका है। अभी इसी में कुछ स्पाइसेस डाल देती हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। तो बस इतना ही मसाला पड़ेगा, बाकी मसाले मैंने ग्राइंड किए हैं और जो इसमें खड़े मसाले डाले हैं, इतने मसालों से हमारा काम हो जाएगा। सब कुछ मिक्स कर देती हूँ। देखिए भी टमाटर गीला है ना, साथ में मसाले भी हमारे गीले हो जाएंगे और साथ में पक भी जाएंगे। 2 टेबल स्पून मैंने हरी मटर लिया है, फ्रीजर में रखा था, ये वही मटर है, इसको भी साथ में रख के साथ में डाल के ऐसे चला लूँगी ना, तो ये भी साथ साथ पक जाएगा। मटर को हमें अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर मसालों के साथ में अच्छे तरीके से पक जाता है। तो देखिए मटर भी लग रहा है पक चुका है और मसालों में से तेल भी अच्छे तरीके से छूट गया है।
मतलब मसाले भी हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। 2 चम्मच ये मलाई लिया, दूध की मलाई है। मलाई जब निकलती है ना फ्रेंड्स, तो उसको उठा के मैं फ्रीजर में रख देती हूँ, तो मलाई हमारी ख़राब नहीं होती है। ये वही मलाई में डाल देती हूँ। बहुत ही बढ़िया मलाई घर की होती है फ्रेंड्स। बाहर से मलाई ला के ये सब बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब्जी वगैरह में डालने की। अगर घर की मलाई है तो सबसे बेस्ट है, हेल्दी भी होता है। अपने आँखों के सामने हमने मलाई बनाया है दूध से, तो वही मलाई यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं हमेशा घर की मलाई ही यूज़ करती हूँ, चाहे केक बनाना हो, कोई भी खाना बनाना हो, मैं बाहर की मलाई लाती ही नहीं हूँ। तो प्रेफर करिए कि घर की मलाई रहे तो ज़्यादा बेटर है। अब थोड़े से इसको भी पकने देती हूँ, ताकि जो मलाई है ना वो भी अपना घी तेल छोड़ दे। तो देखिए मलाई ने भी अपना घी तेल छोड़ दिया है अच्छे तरीके से, मतलब मलाई भी हमारी पक चुकी है। तो जो मैंने मसाले ग्राइंड कर लिए ना, इसको डाल देती हूँ। इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालते फ्रेंड्स, बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो बहुत ही टेस्टी ये ड्रम स्टिक की सब्जी बनके तैयार होती है। और वैसे कोई स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बहुत शानदार सब्जी बनके तैयार होगी। इसको भी मिक्स कर देते हैं। रोस्टेड चना दाल अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप इसमें पीनट डाल सकते हो, मूंगफली रोस्ट करके छिलका उतार के ग्राइंड करके उसको डाल सकते हो। तो नहीं डालना है तो कुछ भी मत डालिए, बिना जो मैंने ग्राइंड किया था मसाले वो उसके बिना भी आप बना सकते हो। ये देखिए कितनी गाढ़ी सी हो गई है ना, और मटर भी हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। अभी इसी स्टेज पर जो मैंने ड्रम स्टिक उबाल लिया है ना, इसको डाल देती हूँ। पानी इसमें थोड़ा सा है, उतना पानी मैं इसमें डाल दूँ। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। बहुत ही शानदार मसाला सहजन की सब्जी बनके तैयार होती है फ्रेंड्स। एक बार बना के देखिए, जो लोग नहीं खाते हैं ना, बार बार फरमाइश आएगी मसाला ड्रम स्टिक करी खाने का। बहुत ही शानदार बनके तैयार होता है। और देखिए कैसे एक दूसरे के साथ इस तरीके से कोट हो गया ना, बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। तो जिस मिक्सी जार मैंने ग्राइंड किया था मसाले ना, उसी में 1/2 कप पानी लिया है, ये पानी इसमें डाल देती हूँ। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कम ज़्यादा। और ड्रम स्टिक भी हमारी पक चुकी है, मटर हमने मसाले में पका लिया है, सब कुछ पका हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कच्चा है। और ड्रम स्टिक को जब हम पानी में उबालते हैं ना फ्रेंड्स, उसका जब ऊपर का स्किन हम निकाल दिए हैं, उबालेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट जो है पक जाता है। अगर आप उबालेंगे नहीं, इसमें डायरेक्ट भी डाल देंगे ना तो भी पक जाएगा, लेकिन उबाल के डालने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि एकदम गारंटी रहती है अच्छे तरीके से पका हुआ है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ, ऐसे कवर कर देती हूँ और स्लो गैस पे इसको मैं 5 मिनट पकने देती हूँ, अच्छे तरीके से पक जाएगा। आइए सब्जी चेक कर लेती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। और ऊपर देख रहे हैं ना, तेल मसाले सब ऊपर आ गए हैं, मतलब कि सब्जी हमारी एकदम शानदार तरीके से बनके तैयार हो गई है। और ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा ग्रेवी मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप अपनी ग्रेवी बढ़ा सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से बनके तैयार हो गई है सब्जी हमारी। इसे 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/2 मैंने नींबू ले लिया है, निचोड़ देती हूँ। मिक्स कर देते हैं, सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है, खाने के लिए सर्व कर देती हूँ। ठंडा गरम जैसे भी खाना है, रोटी पराठा पूड़ी नान जिसके साथ खाएंगे, पुलाव के साथ भी खाएंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही शानदार सब्जी बनके तैयार हुई है, देख रहे हैं। और गाढ़ी भी खूब अच्छी तरीके से बनी है, क्योंकि जो अलग से मसाले मैंने ग्राइंड करके डाले थे, उसमें रोस्टेड चना दाल था, उसके वजह से ये गाढ़ा बना गया है और बिल्कुल अलग अलग नहीं हो रही है सब्जी हमारी। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देती हूँ, बस खाने के लिए मैं सर्व कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरी ड्रम स्टिक की मसाला करी बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से बनाएंगे ना, सबको बहुत ही पसंद आएगा, आप लोग भी बनाइए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स मैंने ये मसाला ड्रम स्टिक करी बना के तैयार किया है, इस तरीके से बनाएंगे ना, सबको बहुत ही पसंद आएगा, तो आप लोग भी बनाइए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।